जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी मोटिवेशन योगी यूट्यूब चैनल में। सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। सो आपकी बीएसटीसी 2023 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ 2023 की एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। BHT इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी PDF डाउनलोड। ठीक फ्रेंड्स, सो बढ़ते हैं अपन वीडियो के आगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस धर्म की है? राइट आंसर हिंदू धर्म की। यहाँ पर मैं आपको आज कंप्लीट 100 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। अपना सेकंड क्वेश्चन है, कोटा के उपनाम क्या क्या हैं? तो कोटा के उपनाम हैं वर्तमान नालंदा, शिक्षा की नगरी, राजस्थान का कानपुर, कोटा के उपनाम हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है? तो यह देव भंड देवरा शिव मंदिर बारा में, ठीक है, कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? लघु उद्योग, तो ये हुई थी 3 जून 1961। जी हाँ, 3 जून 1961 को, ठीक, राजस्थान में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? ये हुई अपनी 3 जून 1961, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह लालदास जी संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कड़ाना बांध किस राज्य में एवं किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो यह गुजरात में तथा माही नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आठ है, बालेंद्र जी के गुरु कौन थे? तो बालेंद्र जी के गुरु दादू दयाल जी थे। क्वेश्चन नंबर फिर से आठ, मतलब डबल बार आठ है फ्रेंड्स, जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध एवं सरदार संबंध बांध किस शैली किस नदी बेसन में आते हैं? तो यह लूनी नदी बेसन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा कहाँ पर स्थित है? तो यह रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर में, ठीक है। भारत की प्रमुख हरित क्रांति और संबंध उत्पाद, ठीक है, मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कृष्ण मृग के संरक्षण के लिए, कृष्ण मृग, मृग हिरण होता है ना फ्रेंड्स, उसके लिए। जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कृष्ण मृग संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है, किस शैली है? तो यह जोधपुर की शैली, ठीक है, ढोला मारू। बम नृत्य राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य है राजस्थान के अलवर भरतपुर जिले में, ठीक, प्रसिद्ध है, ठीक। कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? सांवर झील, ठीक है, सांवर झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है, जिससे सबसे ज़्यादा नमक उत्पाद भी कहाँ से किया जाता है? इसी सांवर झील से किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था सन 1974 से 1975 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में चेती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र है? पुष्कर, ठीक, पुष्कर में की जाती है राजस्थान में चेती गुलाब की खेती, पुष्कर में, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को अंडों की टोकरी कहा जाता है? तो ये है अजमेर, अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? अजमेर को। और एक और है अपना, अन्न का कटोरा, तो आपको पता है कि सुखा जाता है गंगानगर, श्री गंगानगर को। गंगानगर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गेहूँ और अपने चना भी गंगानगर में होते हैं और हनुमानगढ़ में, ठीक। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? यह है मालवी बोली की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, रामसर झील किन पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सरस क्रेन, ठीक,
रामसर झील किन पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सरस क्रैन। क्वेश्चन नंबर 22, रेल वैगन कारखाना राजस्थान के किस शहर में स्थित है? रेल वैगन कारखाना तो यह है भरतपुर में, ठीक, भरतपुर में रेल वैगन कारखाना भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जयपुर प्रजामंडल ने प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल ने प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है जमनालाल बजाज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में सपनों का मंदिर जगदीश का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में सपनों का मंदिर मतलब सपनों का मंदिर है ये, जो भगवान जगदीश का है, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है उदयपुर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है? तो सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो राजस्थान में दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल, ठीक है, प्रसिद्ध नस्ल तो ये अपने थारपारकर एवं राठी। क्वेश्चन नंबर 22, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है राजस्थान के 12 जिले में है शेरगढ़, ठीक है, 12 जिले में है शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 25, राम सागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो यह है अपना धौलपुर में, राम सागर वन्य जीव अभयारण्य है धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की मुख्य नदी कौन सी है? मुख्य नदी है इसकी परवन नदी, और ये कहाँ पर है? धौलपुर में, ठीक। शेरगढ़ अभयारण्य यहाँ पर आपने पढ़ा था, राम सागर एवं वन्य जीव अभयारण्य स्थित धौलपुर में, ठीक है। शेरगढ़ यह है 12 जिले में है, ठीक है, 12 जिले में है शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, राजस्थान के जिले में स्थित है 12 में, और नदी कौन सी पर है? से नदी है परवन नदी, ठीक है। शेरगढ़ जो अभयारण्य है ये किस नदी के किनारे है? परवन नदी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, महामारी शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह गुर्जर प्रतिहार काल में, ठीक, गुर्जर प्रतिहार काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, राजस्थान के किन जिलों में एक भी नदी नहीं है? नदी कौन से जिले में नहीं है? चूरू में और बीकानेर में, एक भी, इन दोनों जिले में एक भी नदी नहीं है, ठीक, चूरू और बीकानेर में। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो यह डूंगरपुर में, डूंगरपुर में गैप सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? संभागीय व्यवस्था की सन 1949 में, भूलिएगा नहीं फ्रेंड, संभागीय सन 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरुद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो यह है जीवाश्म उद्यान। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है तथा यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? ठीक है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है तथा यह मंदिर किस शैली से निर्मित है? ठीक, तो यह रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है, तथा यह मंदिर शैली की द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली में जो ऊपर से कुछ ऐसे होते हैं, मतलब कि ऐसे होते हैं, एक चोटी होती है इसकी, द्रविड़ शैली में निर्मित होते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 33 है अपना, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो यह पारिस्थितिकी में परिवर्तन से, ठीक। सीसा दस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? भारत में प्रथम स्थान है, ठीक, सीसा दस्ता पूरे भारत में पहला स्थान है राजस्थान का सीसा दस्ते के बारे में, ठीक। 35 क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबे के खाने कहाँ पर स्थित हैं? तो ये खेतड़ी कहाँ पर है फ्रेंड्स? खेतड़ी झुंझुनू, ठीक, झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? तो वस्त्र नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा को, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को। क्वेश्चन नंबर 37 है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1597 ईस्वी में, ये घोड़े से कूदे थे, मतलब कि घोड़े को नाले से पार किया, तब उसके घोड़े के पैर में कुछ लगा हुआ, तब इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लू, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लू, जिसे अपन सामान्य भाषा में झगर भी बोलते हैं, झगर चल रही है ऐसे कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 39, किस राष्ट्रपूत मंस सबदार को अकबर ने सरदार को अकबर की
फर्जन की उपाधि प्रदान की, तो यह मानसिंह, क्योंकि मानसिंह था अकबर के साथ रहता था फ्रेंड से, मानसिंह जो महाराजा, जो भी महान राजा है महाराणा प्रताप, उनके खिलाफ लड़ने के लिए आया था ये मानसिंह, अकबर के दरबार में रहता था ये, जिसने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, राजस्थान में सर्दियों में चलने वाले ठंडे हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिल्ली, सिलेली, सिल्ली कहा जाता है। ठीक है, सिल्ली, जिसे अपन एक और सामान्य भाषा है जो अलवर भरतपुर करौली साइड की तरफ बोल जाती है, उसे बोलते हैं पौन, पौन चल रही है, जैसे पौन, पौन भी बोल सकते हैं इसको, सिल्ली को, ये स्थानीय भाषा में है लेकिन पौन भी बोला जाता है इसे। ठीक, ठंडी हवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, अबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी, तो यह चंद्रावती। ठीक, चंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 42, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पाना। ठीक है, जो कागज पर चित्र उतारे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिरोही राज प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो यह है गोकुल भाई भट्ट। ठीक, गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, किस काल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है? तो यह अजय राजकाल को। ठीक, अजय राजकाल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल माना जाता है। किसको? अजय राजकाल को। लाल नाथ जी चौक नाथ की सवाई दास किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह जसनाथी संप्रदाय से। ठीक, जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है लाल नाथ जी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, राजस्थान के किस शहर पर महावीर जी का मंदिर स्थित है? तो यह है ओसिया जोधपुर में, महावीर जी का मंदिर ओसिया जोधपुर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है? तो यह है गलियाकोट, गलियाकोट। राजस्थान का नागपुर किस शहर को कहा जाता है? तो यह है झालावाड़। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। ठीक, 13 पंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? तो यह जैन धर्म से, 13 पंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान 50 का क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो यह पाली जिला, जो अन्य राज्यों के 8 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, पाली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 51, सूफी संत मोहिद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का प्रमाणित किया था? शासनकाल में राजस्थान को प्रमाणित किया था, यह है पृथ्वीराज चौहान के काल में। किस काल में? पृथ्वीराज चौहान के काल में। ठीक है, सोम कमला, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 52, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ किन किन जिलों को प्राप्त होता है? तो यह है उदयपुर और डूंगरपुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, आमिर के कछुआ वंश अपने आप को किस वंशज मानते थे? तो यह कुश का वंशज। ठीक है, कुश वंशज। ठीक है, ये वंशज है, उसका नाम है कुश, तो कुश का वंशज मानते थे अपने आप को। कंठी कंकड़ कड़लो काठलियो क्या है? राजस्थान के आभूषण है ये। ठीक है, जो कंठी पहनते अपन गले में, कंकड़ कड़लो काठलियो, ठीक है, आभूषण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? तो यह मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह है छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु व्यवस्थ करने वाला, मतलब व्यवस्था कर रहा था उसको। ठीक है, लकड़ी का नकाशीदार फर्नीचर राजस्थान किस शहर में बनता है? तो यह बाड़मेर में। अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज था? तो सर टॉमस रो। काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज शासक था, तो यह सर टॉमस रो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, लाल गिरी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो यह अलखिया संप्रदाय की। ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका कहाँ पर स्थित हुई? तो यह है आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो यह है बांसवाड़ा को।
बांसवाड़ा जिले को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। ठीक, 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, दादू दयाल जी किसके गुरु थे? तो दादू दयाल जी बल्लेनाथ जी के गुरु थे, बालेंद्र जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो ये महाराजा तख्त सिंह, ठीक है, महाराजा तख्त सिंह थे। सो स्टूडेंट 63 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरुद्यान उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्म उद्यान के नाम से, जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है क्या? राष्ट्रीय मरुद्यान उद्यान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, तीर कमान निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ीगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक किस का उत्पादन किया जाता है? तो यह अफीम का, चित्तौड़गढ़ अफीम का। ठीक है, अफीम को पता है क्या भी कह सकते हैं अपन? काला सोना। ठीक, किसका किया जाए? अफीम का सबसे ज़्यादा खापर किया जाता है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान बाढ़ बिले के नाम से मशहूर है? तो मीनार या उदयपुर। ठीक है, मीनार उदयपुर है जो बाढ़ बिले के नाम से मशहूर है, मीनार, और सेकंड है उदयपुर में, उदयपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छिद है? तो ये है लगभग 7 से 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 68, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाना जाता है? तो ये गोगा जी, जहर पीर मतलब किस सर्पों के देवता? सर्पों के देवता गोगा जी हैं। ठीक, सर्पों का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, गैप सागर झील के किस जिले में जल गैप सागर झील किस जिले में स्थित? तो यह डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, कायलाना झील का निर्माण किसने और कहाँ कराया था? तो कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप ने जोधपुर में करवाया था। राजस्थानी संस्कृति में जनोटना क्या है? तो ये जनोटना क्या होता है कि बर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन, बर जो होता है ना, बर वधु, तो बर की तरफ दिया जाता है, उसे बोलते हैं राजस्थानी संस्कृति में जनोटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगला पीठ के संप्रदाय से संबंधित है? तो लालदास जी संप्रदाय से। ठीक, कौन सा है? नंगला पीठ संप्रदाय से संबंधित है। 73 क्वेश्चन है, कच्छावू कौन सी जनजाति की महिलाएं पहनती हैं? तो ये भीन जनजाति की कच्छा होता है, वो मतलब कि लंगोटी टाइप में, तो उसे कच्छा बोलते हैं, जो किसी से मील भी जनजाति की औरतें पहनती हैं। ठीक, उसमें मिट्टी का किला राजस्थान के जिले में स्थित है? तो है भरतपुर में। ठीक, मिट्टी का किला। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह संत हरीशदास जी। राजस्थान में संभागी व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? सन 1962 में, और 1949 में चालू किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, फिर ये 1962 के बाद में फिर से हुई थी, 1986 के आसपास हुई थी। राजस्थान में संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो है नववधु के साथ जाने वाली स्त्री, ओलंदी होती है राजस्थानी संस्कृति में। ओलंदी क्या है? ओलंदी तो नववधु के साथ में जाने वाली स्त्री, तो अपन उसे क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? अनवादी भी बोल सकते हैं। जो कोई छोटी लड़की होती है वो वधु के साथ में जाती है, अनवादी। ठीक, और लड़कों के साथ में जाता है उसे बोलते हैं अपन बिंदाक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? तो ये पांच जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। बल्लेआभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह है हाथों में। बल्लेआभूषण कहाँ पहना जाता है? ये है हाथों। ठीक, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मनाया जाता है? तो है जलानी माता। अलवर में किसे पूजा जाता है लोक देवी के रूप में? जलानी माता को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो मैंने बताया था श्री गंगानगर, आपको पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट। राजस्थान में चेती गुलाब खेती का प्रमुख क्षेत्र है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये है पुष्कर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? यह है बड़गांव में, ठीक, बड़गांव में। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? तो ओसिया या जोधपुर को, ठीक है। परकोटा, सॉरी 85 का क्वेश्चन है, टेराकोटा हस्तकला के लिए राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो यह है मोलेला गांव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो यह है गिरवा, ठीक, गिरवा के नाम से जाना जाता है, चारों ओर से जो पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है उदयपुर में, जो चित्तौड़गढ़ का किला है फ्रेंड्स, ये भी पहाड़ियों के जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है ये तो ये भी बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आऊँ काफ़ी। हाँ सो फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को अपने अपने फ्रेंड्सों के लिए भेजें, ताकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ लें। ये बेहद 2023 BSTC एग्ज़ाम TC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।